नेपाल के प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्य के बारे में, नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 36 की 7 उपधाराओं और आगे अनुच्छेद 37 से 40 और अनुच्छेद 42 में मंत्रिपरिषद के संबंधित व्यवस्था है। अनुच्छेद 36 की 7 उपधाराएं इस प्रकार हैं। प्रतिनिधि सभा में बहुमत वाले दल के नेता की महामहिम द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति की जाएगी तथा उसकी अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद भी नियुक्त होगी। मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री, एक उप प्रधानमंत्री और आवश्यकता अनुसार अन्य मंत्री परिषद भी होंगे। महामहिम प्रधानमंत्री के सुझाव पर एक उप प्रधानमंत्री और आवश्यकता अनुसार अन्य मंत्रियों को संसद सदस्यों में से नियुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री सामूहिक रूप से प्रतिनिधि सभा के लिए उत्तरदायी होते हैं और मंत्री अपने मंत्रालय के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री और प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद शासन की सबसे प्रमुख इकाई होती है, लेकिन संविधान में मंत्रिपरिषद की शक्तियों का विस्तार में उल्लेख नहीं है। किस कहानी है नेपाल के संविधान में? संविधान कार्यपालिका की समस्त शक्तियों, कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान नेपाल के महामहिम को प्रदान करता है, लेकिन व्यवहार में कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान इन सभी शक्तियों का प्रयोग लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। नेपाल में वर्तमान संविधान द्वारा संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई है। इस स्थिति में मंत्रिपरिषद को राजनीति वृत्तखंड के मेहराब के बीच के पत्थर की स्थिति प्राप्त हो जाती है। शासन के समस्त कार्यपालिकाओं शक्तियों का प्रयोग, मंत्रिपरिषद नेपाल की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है, अनुच्छेद 35 में कहा भी गया है। इस संविधान और अन्य कानूनों के अंतर्गत नेपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति महामहिम और एक मंत्रिपरिषद में नियुक्त होगी महामहिम द्वारा जिन शक्तियों का प्रयोग अकेले ही और स्वविवेक से किया जाना चाहिए या जिन शक्तियों का प्रयोग किसी अन्य संस्था या पदाधिकारी की सिफारिश के आधार पर किए जाने का निर्देश है, उन शक्तियों के अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग महामहिम द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श और सहमति से किया जाएगा। इस प्रकार परामर्श और सहमति प्रधानमंत्री के माध्यम से दी जाती है। नेपाल के प्रशासन को सामान्य निर्देश देने, नियमित करने और निर्देश करने की शक्ति इस संविधान और कानून की सीमा में रहते हुए मंत्रिपरिषद में निहित होगी। संविधान द्वारा महामहिम को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग व्यवहार में मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद नेपाल राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका संस्था और शक्ति है। संविधान द्वारा नेपाल में एकात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, अतः समस्त नेपाल राज्य के संबंध में और सभी विषयों पर मंत्रिपरिषद की कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना मंत्रिपरिषद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। मंत्रिपरिषद यह निश्चय करती है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाए। मंत्रिपरिषद के द्वारा निर्धारित कर चुकने के बाद संबद्ध विभागों के द्वारा इस नीति के आधार पर विभिन्न विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार कानून निर्माण का कार्य बहुत कुछ सीमा तक मंत्रिपरिषद की इच्छा अनुसार ही संपन्न होता है। महामहिम की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के कारण मंत्रिपरिषद उनसे सलाह ले लेते हैं। नियुक्ति संबंधी कार्य संविधान द्वारा महामहिम को अनेक पदों पर दिया गया है। वे पद हैं सत्ता के दुरुपयोग की जांच, सार्वजनिक अनुसंधान आयोग के मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और समस्त मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों, महान्यायाधिवक्ता और विभिन्न देशों में नेपाल के राजदूत आदि। वस्तुतः इन सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही महामहिम द्वारा
की जाती है। मंत्रिपरिषद का समन्वय कार्यकारी सुविधा के लिए सरकार के विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है और सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय नितांत आवश्यक होता है। विभिन्न विभागों में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद समस्त विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करता है और यह प्रयास करता है कि प्रशासन के विभिन्न विभागों में नीति व अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न न हो और उनके द्वारा परस्पर सहयोग किया जाए। विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने के लिए मंत्रिपरिषद की समितियां स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। वित्तीय कार्य देश का आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का ही है, यानी प्रधानमंत्री का ही है। इस हेतु उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद में सामने देश की संभावित आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। बजट मंत्रिपरिषद द्वारा निर्धारित तिथि के आधार पर वित्त मंत्री तैयार करता है और वही उसे प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत करता है। अन्य वित्त विधायकों को भी मंत्रिपरिषद की प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत करती है। वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण रखना मंत्रिपरिषद का एक प्रमुख कार्य है। विदेशी राज्यों के अध्यक्षों और सरकारों के साथ समस्त वार्ताओं का संचालन प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री के अन्य प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है, तो आवश्यक होने पर संसद के संबंध के संचालन में मंत्रिपरिषद की भूमिका प्रमुख और संसद की भूमिका बहुत ही गौण होती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। मंत्रिपरिषद के निर्माण कार्य संचालन और अंत में प्रधानमंत्री को केंद्रीय भूमिका प्राप्त होती है। संसदीय व्यवस्था के मूल देश ब्रिटेन और अन्य देशों में संसदीय व्यवस्था ने प्रधानमंत्री शासन का रूप प्राप्त कर लिया है। मंत्रिपरिषद की समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री अपने स्वविवेक से करता है।